दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने चैनल टॉक विद मी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, ऐसा मैं समझता हूँ कि संस्कृत जो है वो देव प्रिय भाषा है, अर्थात संस्कृत जो है हिंदू धर्म के अनुसार देवताओं की प्रिय भाषा है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ देशभक्ति की। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति देश के लिए न्यौछावर हो जाता है उसे और किसी धर्म करने की और दूसरे पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप वो सब कुछ पा जाता है। जो एक बहुत ज़्यादा धार्मिक आदमी जो बहुत सारा यज्ञ और बहुत ज़्यादा दान पुण्य करके प्राप्त करेगा। दोस्तों, एक प्रार्थना है, एक स्तुति है संस्कृत में, जो चार पांच श्लोक में सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा बहुत ही पसंदीदा है और ये टोटली भारत माता के चरणों में समर्पित है, तो कृपया आप लोग सुनिए। तुमेव मातृभूमिका, तुमेव मातृकाक्षरा, तुमेव सुप्रसुपरा, तुमेव धीपरा परा, तुमेव मंत्र संहिता, तुमेव वाङ्मयाश्रया, तुमेव सर्वचिन्मया महालया सुवाश्रया। सहस्र दीप दीपनी, ज्वलिम्पनी सुलिम्पनी, सुवर्ण स्वर्ण तापिता, तपस्विनी प्रतापनी, सुभोक्ति मोक्ति सोक्तिनी, विनाश घात घातनी, सदाति युद्ध घातनी, महाति शत्रुपातनी। प्रचंड चंड चंडिके, चमचमत कृतांगने, शिवा सुशैल सिंहने, सुचारु सर्वसंगने। कराल काल कालिके, कपाल मालनी कले, तुमेव मातृभूमिके, नमामि पुत्र वत्सले। प्रचंड चंड चंडिके, चमचमत कृतांगने, शिवा सुशैल सिंहने, सुचारु सर्वसंगने। कराल काल कालिके, कपाल मालनी कले, तुमेव मातृभूमिके, नमामि पुत्र वत्सले। दोस्तों, इसके आगे भी है लेकिन समय अभाव है, और बहुत ही अच्छी स्तुति है, मातृवंदना है, भारत माता को समर्पित है। और चूंकि अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, सभी लोग घर में हैं, इसलिए हम लोगों को अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी आती है। इसी सोच के साथ मैंने आज आप लोगों को यह श्लोक सुनाई है कि आप लोग जहाँ भी हैं घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षित रहें। और कोई नहीं जानता कि कोरोना क्राइसिस का असर कितना होगा और इसका भयावहता कितना ज़्यादा होगा, इसलिए आप लोगों को पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी हैं अपने घर में रहें, भीड़ भाड़ में जगह में ना जाएं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं और नोटिफिकेशन के जरिए वो आपको समय से पहुंचता रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।